नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं अविनाश। न्यूज स्पेशल की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे ऐसे दो जगहों की जहां पानी के संरक्षण के लिए बहुत ही बेहतर काम हो रहा है। बालाघाट की हम बात करें तो वहां जल संरक्षण की दिशा में अब जिला प्रशासन आगे आया है। तो एक खबर हम आपको दिखाएंगे मंडला की, जहां दो नलकूपों से अविरल जल की धारा बह रही है लेकिन उसको सहेजने के इंतजाम नहीं है। तो आइए रुख करते हैं बालाघाट का और मंडला का। बालाघाट नगर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी से लेकर पुराने डिपो तक फैले बूढ़ा मेहरा तालाब को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए प्रशासन ने अनोखी पहल शुरू की है। खुद जिला कलेक्टर इस तालाब को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर मामले का पूरा जायजा ले रहे हैं। वहीं जन सहयोग को इस तालाब का गहरीकरण और सफाई का कार्य जन सहयोग से तेजी से हो रहा है। यहां काफी हद तक तालाब में अतिक्रमण कर लिए गए हैं। मकान बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए बाकायदा नगर पालिका से लेकर राजस्व और अन्य विभाग के अधिकारी पूरे अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं। पानी भी नहीं मिल पा रहा है और नए बोरवेल भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर कितने फीट तक के यहाँ खुदाई हो रही है तो पानी आ रहा है? 500 एक बोरवेल हुआ यहाँ पे 510 फुट पे और एक हुआ है 520 फुट पर, फिर भी पानी नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, हम वृक्षों का कटाव कर रहे हैं, रेतों का खनन हो रहा है नदियों से, जिस कारण माता वैनगंगा भी सूख चुकी है और पेड़ पौधे नहीं है, जिस कारण वातावरण पर्यावरण पूरा बिगड़ चुका है। हमारे समनापुर के आसपास जो 15-17 गांव पड़ते हैं, यहाँ पर मतलब पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। तो जानवरों के लिए और जंगली जानवरों के लिए की तो बात तो अलग है, पीने के पानी तक नहीं मिल रहा है। और हमारे यहाँ से जो वैनगंगा जो नदी है बिल्कुल लगी हुई है, एक से डेढ़ किलोमीटर दूर है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि वहाँ पर ऐसा है कि नहाने के लिए तो छोड़ो, पीने के लिए पानी नहीं है। कम देखिए, तालाब तो जैसे मोती तालाब, पहले 52 एकड़ का तालाब था, आज हमारे पास 20-21 एकड़ बचा होगा। देवी तालाब भी उतना बड़ा था, थोड़ा सा तालाब बचा हुआ है। तो वो तो मानो जिनने भी एनजीटी में लगा के रखा है उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए बालाघाट के लोगों को कि आज तालाब में पानी भरा हुआ है, वाटर लेवल बना हुआ है। सरिये का ये प्रयास है, एक तालाब है बूढ़ा तालाब जिसको बोला जाता है। ये लगभग 20 एकड़ का तालाब जो कि समय रहते सिल्टिंग के कारण और अन्य भराव के कारण ये तालाब पूरा बंद हो गया था। अभी प्रयास ये है कि जन सहयोग से इसको खुदवा करके इसको पुनः अपने पुराने से पे वापस लाया जाए। हरीश ललहारे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरीश, पूरे प्रदेश में इस वक्त जल संकट व्याप्त है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं कि पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पर जो बालाघाट में का जो उपनगरीय क्षेत्र है जहाँ की ये खबर जहाँ से आई है, वहाँ पर अब जिला प्रशासन इस बूढ़ा तालाब को जो है अस्तित्व में उसका बचाने के लिए जुटा हुआ है। तो क्या कुछ कवायद की जा रही है? जब जल संकट आया तब इनिशिएटिव लिया गया, तब पहल की गई। यदि शुरुआत से ही, पहले से ही यदि इस तालाब को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते और अतिक्रमण वहां पर नहीं होने दिया जाता तो ये स्थिति नहीं आती। क्या कहेंगे आप? जी, मैं यहाँ बता दूं कि अभी मानसून वैसे भी बड़े विलंब से बालाघाट में अभी नहीं आया है मानसून जी। और एक तरफ जो है जल संकट पिछले कई दिनों से जो जल संकट यहाँ पर भीषण छाया हुआ है और ग्रामीण अंचलों में भी कई तालाब ऐसे जो सूख चुके हैं, यहाँ तक कि लोगों के किसानों के पालतू मवेशी जो है प्यास से तड़प कर मर रहे हैं। तो ऐसी कई समस्या जो है आए दिन मीडिया में सुर्खियों में रहती थी जी। इसी बात को संज्ञान में लेकर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने तालाब को संरक्षित करने की दिशा में एक पहला कदम यहाँ बालाघाट नगर से उन्होंने शुरू किया है। और कहीं ना कहीं जो है ये बालाघाट जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन की एक अनोखी पहल है, अभिनव पहल है, जो जन सहयोग लेकर, जन सहयोग में अभी तक मैं बता दूं अविनाश जी की जन सहयोग के तहत जो है अभी तक लगभग 20 लाख रुपए के काम इन्होंने करवा चुके हैं और प्रशासन भी वहां पर पूरे मुस्तैदी से इस तालाब को बनाने के लिए भिड़ा हुआ है जी। जी हरीश, एक सबसे
अच्छी बात है कि अब जिला प्रशासन ने पहल की है। अक्सर जिला प्रशासन पर ही और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा करते हैं लापरवाही के, उदासीनता के, लेकिन यहाँ पर जो है मामला उलट है। यहाँ जिला कलेक्टर ने खुद स्थिति को देखा और जिस तरह से वो तालाब को, जो पुराना तालाब है, उसको संरक्षित करने के लिए आगे बढ़े हैं, जनसहयोग भी मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर यदि ये प्रयास किए जाएंगे तो मानसून के आने के बाद ये तालाब जो है इसमें पानी ठहरेगा और काफ़ी आने वाले साल में या आने वाले समय में जो है लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन हरी जी, मेरा ये कि देर आए दुरुस्त आए की जो कहावत तो चरितार्थ हो गई, लेकिन यही काम सालों पहले किया जा सकता था। वहाँ अतिक्रमण नहीं होने दिए जा सकते थे। एक प्रशासन यदि मुस्तैद रहता, वहाँ अतिक्रमण नहीं होते, अवैध कब्जे नहीं होते, तो आज तालाब की ये दशा नहीं होती। क्यों, क्या वजह रही कि उदासीन रहा जिला प्रशासन अब से पहले, अब जाकर जब बिल्कुल बात जो है हाथ से निकल गई, पूरा तालाब जो है सूख गया, तो उसको संरक्षित करने के प्रयास किए गए, पहले किए जाते तो आज ही नौबत नहीं आती, क्या कहेंगे? यकीनन अविनाश जी, मैं यहाँ बता दूं कि ऐसे ये इकलौता तालाब नहीं है, बालाघाट नगर के आसपास और बालाघाट नगर में ऐसे कई तालाब है जो दम तोड़ चुके हैं और जहाँ 56 एकड़ का या 50 एकड़ के जो तालाब थे आज वो सिकुड़ कर अतिक्रमण के कारण जो है 15 से 20 एकड़ के रह गए हैं। यहाँ मोती तालाब है, देवी तालाब है, ऐसे कई तालाब है जो दम तोड़ चुके हैं और जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं। अब ये बात समझ लोगों को तब आ रही है जब जल संकट गहराते जा रहा है और लगभग 500 से 550 फीट नीचे जो है जल स्तर नीचे जाते जा रहा है और लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। तो अब लोगों को ये बात समझ आ रही है कि तालाबों का, नदियों का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में। जी, अगर जी। जल ही नहीं है तो आने वाला कल भी नहीं है, ये बात लोगों को समझ आ गई है और जिला प्रशासन भी अब लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले रहा है। जी, जी। और आपने जो सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किए कि अगर ये पहले ही इस ओर ध्यान दे दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती, पशु पक्षी दम नहीं तोड़ रहे होते। तो अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक अच्छी पहल प्रशासन की, कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल राजा, कहते हैं कि यदि प्रशासनिक राजा अगर अच्छा हो तो एक अच्छे काम देखने को मिलते हैं और वही जी, आज जी। हमको बालाघाट नगर में देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिए जी, जी, जी। और उन्होंने साफ कहा है कि ये पहला मेरा कदम है और ऐसे जिले भर में जो भी तालाब है उनको लेकर एक अच्छा मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जी, जी, कदम उठाया जाएगा। जी हरीश, आप हमारे साथ बने रहिए फोन लाइन पर। वहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं त्रिलोक, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। त्रिलोक जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जिस तरह से जिला प्रशासन ने पहल की है तालाब को बचाने की, उसको गहरीकरण के लिए उसका काम किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में जल संकट का सामना लोगों को ना करना पड़े, जन भागीदारी से ये काम किया जा रहा है, लोग भी जुड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन तो अपना काम कर देगा, लेकिन जिम्मेदारी आम नागरिक की भी होती है कि अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के जल स्रोतों का वो संरक्षण करे, उनको ऐसा स्थिति में ना लाए कि पानी के लिए त्राही त्राही मच जाए। आपको क्या लगता है कि जिला प्रशासन ने जो अपना काम कर दिया, आप जवाबदारी वहाँ के स्थानीय लोगों की भी है, आपकी भी है, सारे ही लोगों की है, ताकि उसको जब संरक्षित करने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए जो जिला प्रशासन ने पहल की है, उसके बाद अब आप भी अपनी जवाबदारी को समझें। जी सर बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि प्रशासन ने अपना कार्य तो कर दिया है, हर एक जो आम नागरिक है उसको अपनी जिम्मेदारी समझने की अभी अति आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि जल संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है, इवन बालाघाट शहर में नहीं, पूरे बालाघाट जिले में जल संकट गहराया हुआ है। जी जी। अभी क्या होता है, ये जो अभी प्रशासन का बहुत अच्छा पहल है, इसके पहले उस तालाब के आजू बाजू, जो तालाब था उसके आजू बाजू कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले लोगों के अतिक्रमण हुआ करते थे जी जी। और होते थे। आज भी यही कंडीशन है, जब वहां पर अतिक्रमण हटाया गया तो राजनीति में जो अच्छी रुचि रखते हैं और राजनीति में सक्रिय ऐसे लोगों ने वहां पर उस अतिक्रमण हटा रहे थे तो वहां पर आपत्ति लिया था जी जी। तो मेरा मानना ये है कि ये सब जनहितैषी कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिकरण न हो, जनहितैषी कार्य है यहाँ पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जी जी। हाँ, अतिक्रमण बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए और हर एक आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो जो तालाब है, तालाब का गहरीकरण तो ठीक है, अब इसके बाद गहरीकरण होने के बाद लोग अपने घरों की सफाई करके उसको कूड़ादान बना देते हैं तालाब। जी जी, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सारे लोग अगर से अपनी जिम्मेदारी समझे और कूड़ेदान का सही इस्तेमाल करे तो तालाब साफ, सुरक्षित
और अच्छा रहेगा और जल संकट की भी समस्या नहीं होगी, मेरा मानना ये। जी जी त्रिलोक जी, लेकिन एक बात और भी है कि जिन जनप्रतिनिधियों को जवाबदारी मिली दी जाती है, लोग उनको चुनकर विधानसभा में, नगर निगम में, नगर पंचायतों में भेजते हैं बड़ी उम्मीदों से कि ये हमारे हित के लिए काम करेंगे, इन पर हमें भरोसा है, लेकिन वही इस तरह से राजनीति का अखाड़ा बना लेते हैं चीज़ों को, वही लोग जो है समस्या सुलझाने की जगह समस्या का कारण बन जाते हैं और उसका नतीजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन अब जिला प्रशासन ने जल संरक्षण की दिशा में जो काम शुरू किया, जन भागीदारी से काम शुरू किया, तो आपको नहीं लगता त्रिलोक जी कि जागरूकता लाने की भी ज़रूरत है पूरे क्षेत्र में, कि लोग सिर्फ सरकार की तरफ ना देखें, खुद भी संज्ञान लेकर अपने तरफ से भी इस बात को समझें कि साफ सफाई और जो है वो बहुत जरूरी है। सर सर बिल्कुल बिल्कुल, हर मेरा मैं जी, त्रिलोक जी, निवेदन कर रहा हूं। जी जी मैं बिल्कुल निवेदन कर रहा हूं उस हर एक व्यक्ति से जो हमारी न्यूज देख रहा है जी, और जो सुन रहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी जल संकट को देखते हुए अपनी जी। त्रिलोक जी, त्रिलोक जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनिल जी, वो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिला प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया, अब नगर पालिका की और आपकी भी जवाबदारी बनती है कि इस काम में हाथ बटाएं और जल संरक्षण के लिए जो जिला प्रशासन ने कदम उठाए हैं, अब यदि मानसून आने के बाद, बारिश के बाद ये तालाब भर जाता है तो उस पानी को संरक्षित करने के लिए, उस तालाब को संरक्षित करने के लिए भी एक कार्य योजना बनाई जाए और ठोस कदम उठाए जाएं ताकि अब इस तालाब को संरक्षित किया जा सके, बचाया जा सके, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस तालाब के पानी को पी सके और लाभान्वित हो सके, जल संकट का सामना अब क्षेत्र के लोगों को ना करना पड़े। क्या कहेंगे आप भाई साहब? चाहे ये पहले हमारे एजेंडे में था ये तालाब संरक्षित करने का, इसको तालाब की खुदाई और तालाब को साफ सफाई ये सब हमने पहले भी करे थे। इसी तालाब की पहले जो पार होती है वो टूट गई थी, फोड़ दिए थे लोगों ने, तो उसको भी हमने इसको बंधवाए। जी अब आज हमने कलेक्टर साहब के साथ, मैंने ही बार बार उनको बोल करके इस दौर ध्यान आकर्षित कराया है कि इसको तत्काल खुदवाई कराया जी, जी। जिससे कि जल संरक्षण की, आज बालाघाट में लगभग 10-12 तालाब थे जिसमें कि एक दो बचे हुए, बाकी पूरे तालाब को खोल करके लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मेंटेन करने की भी जरूरत है अनिल जी, मतलब सिर्फ एक बार काम कर दिया गया, तालाब को की खुदाई कर दी गई, उसका गहरीकरण कर दिया गया, पानी संरक्षित हो गया, लेकिन आने वाले समय में जब कंफर्ट जोन में लोग आ जाते हैं तो फिर उसी तालाब को कचरा घर बना देते हैं। ये जवाबदारी होती है नगर पालिका की कि आप कुछ इस तरह से वहां पे इंतजाम करें ताकि लोग इस तालाब को कूड़ा घर ना बनाएं। नहीं नहीं, तालाब को तो हमने कूड़ा घर बनने नहीं दिया है, तालाब अच्छा है जी। तालाब में किसी तरह लोग तालाब में अतिक्रमण कर रहे हैं जी, उसको भी हटाने की जरूरत है। तालाब में जबरदस्ती बना करके कुछ लोग वहाँ पे जो है वो प्लाटिंग करके बेच रहे हैं तालाब के अंदर जी, तो ये तालाब में आना कब्जा कर रहे हैं एक, तो इसपे तो बड़े इसको तो बड़ी सख्ती से, ऐसे लोगों को तो बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए, जिला प्रशासन से चाहिए कि इन पे तत्काल कार्रवाई करे जी। जी बिल्कुल, इनको हटाए इनको, क्योंकि ये ऐसा नहीं, ये तालाब को कब्जा करके बेच रहे हैं फिर इसके बाद में वो दूसरे तालाबों में लगाते हैं, ऐसे क्रम वाइज अपने जरा से मुनाफे के लिए, जरा से लालच के लिए वो उन चीजों को खत्म कर रहे हैं जो जीवन दाई हैं, जिनसे जीवन चलता है, तो जल को जीवन कहते भी हैं और उसी पानी की संकट इतना है और वहीं वो लोग अवैध कब्जे करके जो है उस चीज का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी अनिल जी, हमारी भी तरफ से हमें को रहेगा कि हम इस तरह की चीज़ों को दिखाएं और आपकी भी जवाबदारी बनती है, आपको भी बधाई कि इस नेक काम में आपने हाथ बटाया और आगे भी जाके हम जहां तक समझते हैं कि इस कार्य को आप लोग जारी रखेंगे और अपने तालाबों के संरक्षण को की दिशा में आगे बढ़ेंगे और पेयजल का संकट अब दोबारा इस इलाके में ना हो, इस दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और अब रुख करते मंडला का, जहां के घुघरी विकास खंड की ग्राम पंचायत देवहारा और बमनी गांव में कुदरत इस कदर मेहरबान है कि बिना कनेक्शन वाले बोर से दिन रात कुदरती तौर पर अनवरत पानी निकल रहा है। दोनों ऐसे नलकूप हैं जिसमें से पिछले 20 साल से कुदरती तौर पर पानी निकल रहा है। भीषण जल संकट के बीच भी ये हैंडपंप गांव के हजारों लोगों की प्यास बुझा रहे हैं, मगर हैरत की बात यह है कि इस बेशकीमती पानी को सहेजने के लिए शासन स्तर पर किसी भी प्रकार के ना तो कोई इंतजाम है ना कोई कवायद की जा रही है और नतीजा यह है कि रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों की माने तो वो नलकूप और बोर से निकलने वाले पानी को संरक्षित और सहेजने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जवाबदेह अधिकारियों की जो है लापरवाही के कारण ये पानी व्यर्थ में बह रहा है। देखो नल
हेड पंप, अरे इतना पानी पहले और ज़्यादा गिरे, अब कम है कैसे? अगर कोई सरकार है तो नहीं देख पाए, उपयोग नहीं कर पाए। अब का बताए भैया, कुदरत के करिश्मा है, घाय लगते है 15-20 साल है गए खुदे और ऐसे ही बह रहे हैं, और यहाँ से कई गांव है आसपास, सब गांव की प्यास यहीं से बुझ। यहाँ के ग्रामीण हैं वो हमारे साथ, हमारे संवाददाता राहुल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल, ये जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में ये जो दो नलकूप हैं उनसे अविरल जल की धारा बह रही है, और बताया जाता है कि 20 सालों से इन नलकूपों से ये जल धारा बह रही है, और हजारों लोग जो हैं इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आसपास खेती हो रही है, सिंचाई हो रही है, और पूरा हरा भरा ये क्षेत्र है। कुदरती करिश्मा भी लोग मानते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि नलकूप से जो हजारों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बह रहा है उसको संरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए? जिला प्रशासन से गुहार भी कर चुके हैं ग्रामीण, लेकिन जिम्मेदार हैं कि उनके कानों पर जू नहीं रेंगती, क्या कारण मानते हैं आप? जी निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि ये मंडला जिले का जो घुंगरी विकास खंड पड़ता है, वहाँ की ग्राम पंचायत देवहरा और बमनी करके है, यहाँ पर लगभग पिछले 20 सालों से कंटिन्यू ये दोनों नलकूपों से पानी व्यर्थ बह रहा है, पर लेकिन शासन प्रशासन ने इसके रोकथाम के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं किए हैं। जबकि हमने पिछली बार भी इस खबर को दिखाया था, उस समय तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव जी रहे, उस समय दिखाया था, पर लेकिन उस समय कोई उपाय नहीं हुए थे, और अभी भी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से इसको दिखा रहे हैं। इससे पहले कई बार दिखा चुके, ग्रामीण भी कई बार, वहाँ के सरपंच सचिव और अन्य ग्रामीण भी कई बार कलेक्टर से जिला प्रशासन से इसकी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन ये पानी कंटिन्यू पिछले 20 सालों से व्यर्थ बह रहा है, लेकिन अभी तक इसके रोकथाम के लिए कोई उपाय या सदुपयोग के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। जी राहुल, एक बात और भी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरों में पानी बहता चला जा रहा है, इस पानी को डाइवर्ट किया जाए तो खेती के लिए भी काम में आ सकता है, और आसपास के लोगों को जो है नल कनेक्शन की के जरिए, जो है पाइपलाइनों के जरिए लोगों के घर तक ये पानी पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि पीने योग्य ये पानी है और बहुत ही साफ पानी बताया जाता है। तो क्या वजह है, कहाँ रोड़ा आ रहा है, क्या इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है आपको अधिकारियों में कि 20 साल से ये स्थिति यहाँ बनी हुई, उसके बावजूद भी आज तक जो है किसी की निगाह नहीं गई या लोगों ने करने की कोशिश नहीं करी, जिला प्रशासन में बैठे अधिकारियों की जिन्हें करना चाहिए था? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए सिर्फ एक योजना तैयार करने की जरूरत है, जो कि जिला शासन प्रशासन इसको तैयार कर सकता है, इसके लिए सभी ने प्रयास किया है, और जबकि जो लगभग इस पंचायत के अंदर जो गाँव आते हैं उनको पानी भरपूर मिल रहा है, पर लेकिन बाकी गाँव से दूर दूर पड़ते हैं, इस कारण पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस नलकूपों से पानी दोनों जब ही मिलेगा, जब जिला प्रशासन कोई बड़ी कार्य योजना करेगा, जब उनके घर तक पानी पहुंच सकेगा, पाइपलाइन बिछाई जा सकेगी, जब उनको पानी मिल सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मंडला जिले के अंदर बहुत से गाँव ऐसे हैं कि जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, पर लेकिन देवहरा और ये बमनी गाँव ऐसे हैं कि जहाँ अपार पानी है, लेकिन वहाँ संरक्षण के लिए, पानी की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन कोई भी उपाय नहीं कर रहा है। जब इस सिलसिले में हमने कलेक्टर से बात करी तो कलेक्टर साहब का कहना था कि हम पानी की रोकथाम के लिए जरूर कोई उनको उपाय करेंगे, उसके लिए हम बहुत जल्द उपाय करेंगे। जी हम वही तो राहुल, बात यही समझ में नहीं आती, एक तरफ पूरे प्रदेश में जगह जगह जो है भूजल स्तर गिरता जा रहा है, कई सौ फीट खोदने के बाद भी एक बूंद पानी नहीं निकलता, लोग दो बूंद पानी के लिए, एक बाल्टी पानी के लिए, थोड़े से पानी की जरूरत के पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, रोजाना मशक्कत कर रहे हैं, तब जाके उन्हें उनके गले तर करने लायक पानी उन्हें मुहैया हो पाता है। और एक आपका इलाका है जहां 20 साल से ये दो नलकूप जो हैं अविरल वहां से जल धारा बह रही है, लगातार पानी बह रहा है भीषण संकट में भी, उसके बावजूद भी जो है उसकी रोकथाम नहीं है। बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए राहुल, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत। विधायक जी, इतनी कुदरत ने जो आपके इलाके को बख्शा है इसके लिए तरसते हैं लोग, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और आप
के इलाके के ये दो नलकूप हैं जहां से लगातार पानी बह रहा है, लेकिन उसके संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं किया जाता। यही पानी संरक्षित किया जाए, यही पानी इसी की जो धारा को डाइवर्ट किया जाए तो बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। क्या वजह लगती है आपको कि इस दिशा में काम नहीं हो पाया? आप जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं तो आपकी भी जवाबदारी बनती है। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? विधायक जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। राहुल, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जनप्रतिनिधियों की बड़ी जवाबदारी होती है, जिस वक्त वो वोट मांगने आते हैं तो कई विकास की बातें करते हैं, क्षेत्र के विकास की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक इच्छा शक्ति की कमी है। छोटी सी योजना बना के इस बहते हुए बर्बाद हो रहे पानी को रोकने की बात है। जी, निश्चित तौर पर ये सरकार ही जब पहल करेगी उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि काफी बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, पानी को गांव-गांव तक पहुंचाना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। लेकिन जब तक क्षेत्र जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन या संबंधित बिल्कुल बिल्कुल अब जो कुछ भी है राहुल, मतलब देखा जाए तो अब जिला प्रशासन के हाथ में है, वो चाहे तो बहुत बड़ी बात नहीं, आनन फानन में कदम उठाए जा सकते हैं, एक कार्य योजना बनाकर इस पानी को संरक्षित किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल ज्यादा से जो बह रहा है, बर्बाद हो रहा है, इस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए हो सकता है और पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। बस इच्छा शक्ति की कमी है, यदि वो दृढ़ इच्छा शक्ति से काम लें जिम्मेदार तो निश्चित तौर पर हालात बदले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया राहुल हमसे चर्चा के लिए। न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।